जिससे जितना बन पाए, प्राणायाम के साथ, एकाग्रता के साथ, भजन के साथ। हम भजन भी इसलिए गाते हैं कि हम भगवान की उपासना करते करते भगवतमय हो जाए, हमारा जीवन भागवत जीवन हो जाए। राम की उपासना करते करते हम राममय हो जाए, कृष्णमय, हनुमंतमय, शिवमय हो जाए, ज्योतिर्मय, तेजोमय हो जाए, ज्ञानमय, श्रद्धामय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय हमारा जीवन हो। जब हम भगवान की महिमा गाते हैं ना, ऐसे है मेरे राग, जैसे जैसे हैं वैसे वैसे हम भी बन जाए। ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवति, यही हमारी वेद दर्शन उपनिषदों की, श्रीमद् भगवत गीता की, पुराणों की परंपरा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिंग जोगिंग के बार अभ्यास। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दंड बैठक तो समय, और जिनका अभ्यास वे ऐसी अपनी आदत बना ले, शरीर का जैसा स्वभाव बनाओगे वैसे स्वभाव बन जाएगा। खाली शरीर के बारे में नहीं, संवेदनाओं के संदर्भ में जैसा हम बार बार करते हैं, स्वभाव हो जाता है, वैसी हमारी आदतें हो जाती हैं, और फिर वो अनायास होता रहता है, बिना प्रयास के सहज होता है। इसलिए योगाभ्यास ऐसा शक्ति होता है।
सारे श्रेष्ठ तत्वों का अभ्यास। रोग विकार विनय भरा हृदय कर।